been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ दो गाड़ियों के बारे में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कुछ भाइयों के कि हमें मारुति जैन और मारुति 800 के बारे में कुछ बताइए, कितने रुपए में मिल जाती हैं सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड ऑप्शन आपके लिए कैसी रहेंगी कैसी नहीं रहेंगी। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं आज हम। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम करेंगे मारुति 800 के बारे में। दोस्तों मारुति 800 और मारुति जैन दोनों ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आज तक लोगों के दिलों पर छाई हुई गाड़ी हैं और फुल पैसा वसूल गाड़ी हैं, और इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कितने भी पुराने ले लो आप, दमदार गाड़ियां होती हैं। मतलब वो वाली बातें होती है ना कि दादा ले वे पोता बरते वाली बातें, दोनों बातें इन गाड़ियों पे पूरी सूट होती हैं। और दोनों दोस्तों दोनों गाड़ियां इतनी पावरफुल है जैसे कि ओल्ड इज गोल्ड होता है वो वाली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मारुति 800 के बारे में। तो दोस्तों 800 सीसी का इंजन आपको उस गाड़ी में मिल जाता है, और 800 सीसी के साथ बहुत ही पावर मिल जाती है। और आपको पता ही 800 गाड़ी के बारे में आपको पता ही है कितनी बेहतरीन गाड़ी है लुक्स के मामले में। कलर्स भी इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, रेड मिल जाता है, वाइट मिल जाता है। और दोस्तों सेकंड थिंग माइलेज की बात करें तो ये बिना सीएनजी के भी आपको 18 प्लस माइलेज 20 प्लस माइलेज आपको ये सिटी में निकाल के दे देती है। और अगर आप इसको हाईवे पे यूज़ करते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, तो दोस्तों 22 प्लस से 25 प्लस तक। तो दोस्तों 800 आपको 25 प्लस का एवरेज आराम से दे देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सेकंड हैंड कितने रुपए तक में आराम से इजीली मिल जाती है। तो दोस्तों आपको ये 30 से 40 हज़ार रुपये के बजट में आराम से बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी 40 से 45-50 तक में भी मिल सकती है। 50 तक में भी अगर आपको कोई हाई मॉडल मिलता है जो कि एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, ठीक है, ऑन पेपर मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके 800 गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं मारुति जैन के बारे में। तो दोस्तों मारुति जैन के बारे में बात ये है कि उसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है, 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है, 1000 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि पावरफुल है। लुक्स के मामले में थोड़ा सा स्पेशियस गाड़ी है अंदर से भी, और लुक्स के मामले में थोड़ी बाहर से बड़ी लगती है और अच्छी दिखती है, बहुत गुड लुकिंग दिखती है। और दोस्तों इसके एवरेज की बात करूँगा तो ये आपको इन सिटी एवरेज 16 से 17 प्लस आपको दे देगी, और ऑन हाईवे 20 से 21 प्लस आपको आराम से 22 तक का भी एवरेज आराम से दे देती है दोस्तों। और इन दोनों गाड़ियों के बारे में एक चीज़ और जरूर बताना चाहूँगा मैं, इन दोनों गाड़ियों की जो रनिंग पावर है, मतलब जैसे कहते हैं ना रोड से चिपक के चलना गाड़ी का, तो दोस्तों वो वाली गाड़ी है ये। और सेकंड थिंग कि दोस्तों मारुति जैन जो गाड़ी है, मारुति जैन ईजिली आपको 40 से 50 हज़ार तक के बजट में आराम से मिल जाएगी, 30 हज़ार में मिल सकती है। कोई कोई गाड़ी थोड़ा 25 हज़ार 30 हज़ार आराम से मिल जाती है। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी जैसे कि आपको ये गाड़ी लेनी है, आँख बंद करके बिल्कुल गाड़ी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी, इन गाड़ी भी ईजिली बिक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों इन गाड़ियों के लवर्स होते हैं। मेरे जैसे भाई भी हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, मारुति जैन का बहुत बड़ा लवर हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की गाड़ी है, आप बिल्कुल ईजिली खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। मारुति जैन आपको 40 से 50 हज़ार के अंडर में आराम से मिल जाती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, मैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस पे जरूर बनाऊँगा।